वाला प्लेन ना काफी प्यारा सा लग रहा है, डिसेंट सा लुक दे रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये वाली पोकेमोन वाली। और फिर जाम देख रहा हो, क्या ही भयानक वाला जाम है, बहुत ही तगड़ा वाला जाम है। प्लस आगे के साइड छल्ली, पीछे के साइड देखो मर्सिडीज एक भाई, मतलब जब मर्सिडीज देखने को मिलता है ना तो मतलब लगता है यार कि हाँ कुछ देख रहे हैं भाई। भाई ये देखो ये वाली एरोप्लेन दिख रही है, कितना भयानक वाला लग रहा है यार, मतलब लग रहा है मेरे ही पास आ रहा है। मेरा अपने पास भी होता है यार डिफेंडर, यार मतलब डिफेंडर मेरे को काफी ज्यादा पसंद है यार। देख रहे हो डिफेंडर, मतलब देखने से ही भाई चट्टान लगती है। मतलब अंदर से अलाउ नहीं होता है ना, सारा गेट पे ही सबमिट ले लेता है, फोन कैमरा जो भी हो, उसके बाद अंदर कोई फोन फोटो ये सब कुछ भी अलाउ नहीं होता, इसी कारण से नहीं बन पाता। और इधर का देख रहे हो व्यू, क्या ही तगड़ा वाला व्यू लग रहा ना वो। सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग गुड़गांव में थे, लेकिन अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, क्योंकि अभी यहाँ पे मम्मी पापा स्टे करेंगे और अपन लोग जाएंगे, क्योंकि ये भी अपना ही फ्लैट है। तो यहाँ पे भी अपन लोग आए थे कुछ काम से, रुके थे और आप लोग बर्थडे भी देखे होंगे, सौम्या का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो अभी अपन लोग दिल्ली जा रहे हैं अक्षरधाम, तो यहाँ से निकलते हैं। तो मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ अभी का, ये देखो नीचे का व्यू सुबह का टाइम का है, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है यार, सोसाइटी है ना तो ऐसा होता है। प्लस कार पार्किंग देखो सारा, अपना कार परसों यहाँ पे था लेकिन अभी अपन लोग दूसरा जगह रख चुके। और सो अभी नीचे चलते और फिर आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा गाइस, क्योंकि नीचे का नज़ारा ना काफी तगड़ा वाला। ये देखो हवा इतना तेज चल रहा है ना कि भाई गैलरी लॉक करने के में बन ही नहीं रहा है। ये देखो अभी अपन लोग पीछे आए, पर्दा ये देखो एक, ये भाई पकड़ो और इधर से इसको लॉक कर दो। सो ये हो गया अपना लॉक। सो अभी अपन लोग निकल गए, लिफ्ट के पास आ चुके हैं और अभी लिफ्ट ऊपर आया है, फिर नहीं आया। ये देखो ये फोर्थ फ्लोर पे आ चुका है, ये देखो ये फोर्थ फ्लोर पे है, बस इसको ओपन करनी है भाई, लिफ्ट ओपन और मस्त वाला अपन लोग इसमें एंट्री। देखो टोटल इसमें 14th फ्लोर है, अपने को ग्राउंड फ्लोर जानी है भाई। रुक जा, सौम्य आ गई, ये अपना गिफ्ट लेके आई है। अरे अभी हम लोग जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं कार के। ये देखो इधर से बाहर निकले अपन लोग और सामने की साइड देखो कितना सारा ये है, एकदम कार वार लगा हुआ सारा, देख रहे हो कितना भयानक है। और अपने को ना बहुत आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अपना फोर व्हीलर एकदम उधर लास्ट में लगा हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा सीट फुल हो जाता ना यार पार्किंग का कि पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा फुल हो जाता है। तो इसी कारण से बहुत पहले अपने को नाइट में आए थे ना 10-11 बजे के आसपास, तो पीछे में ही लगानी पड़ी थी अपनी फोर व्हीलर, ये अपना फेवरेट कार। और इधर से अपन लोग जा रहे हैं, वो देखो कार अपना साफ हो रहा है, थोड़ा बहुत गंदा हो गया था ना इसी कारण से साफ कर रहे हैं। और अपन लोग मस्त वाला चार्जर ये सब इसमें लेके जा रहा है, ये देखो इधर का यार, मतलब कहते हैं कहर लग रहा है यार, जहर लग रहा है भाई, कहर तो बोल ही सकते हैं, जहर भी बोल सकते हैं इसको। और इधर भी एक सोसाइटी बन रहा है, सामने भी एक सोसाइटी है, मतलब इधर सोसाइटी ही सोसाइटी है भाई। और ये अपना कार साफ हो चुका है, ये देख रहा हूँ साइनिंग मार रहा है भाई अब तो साफ होने के बाद। इला भाई बहुत गर्म है कार, एसी ऑन करो रे भाई, बहुत ही गर्म लग रहा है दोपहर यार, बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा यार, बहुत ही ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर शो करना होता ना तो टेम्परेचर भी शो कर देते, बहुत ही ज्यादा हेवी वाला गर्म है। तो ये अपना सीट बेल्ट इधर ये देखो लग गया, और अभी अपन लोग कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर मतलब निकालना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है यार, एक तो इतना गर्मी है प्लस देख रहे हो स्टीयरिंग प्लस आगे का देखो, टकराना नहीं चाहिए किसी में। ये लो ये हो गया भाई, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बट फिर भी क्या ही कर सकते हैं, अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं बस। सो भाई कहाँ का रोड खराब नहीं होता है, देखो इधर का भी तो रोड बहुत खराब है, हम लोग सोचते हैं ना सिर्फ गांव का रोड ही खराब होता है भाई, इधर का रोड देख रहे हो, इधर का रोड भी बहुत ही ज्यादा खराब है।
जबकि इतना अच्छा अच्छा सोसाइटी है ना, फिर भी इधर का रोड खराब है। देखो दिख रहा है कितना खराब रोड है। और फिर अपन लोग सोचते हैं सिर्फ गांव का ही रोड खराब होता है, भाई देख लो यार कितना खराब होता है रोड इधर का, बहुत ही खराब होता है यार। ये भी देख लो ये भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा घमासान धमसता है। ये देखो ये भी रोड डिक्की नहीं, तो डिक्की तो खुला हुआ नहीं है भाई। देखो पांच पांच हो चुका है, और सामने की साइड देखो यार सूरज का रोशनी कैसे आ रहा है भाई। कार चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण से ये वाली ऑन कर दी है अपन लोग। और सामने की साइड देखो मस्त वाला नजारा दिख रहा है, दिख रहा है कितना मस्त वाला नजारा यार। मतलब कितना मस्त वाला फोर लेन है, फोर लेन बोल सकते हैं, हाईवे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मस्त वाला लग रहा है। ये अपना गुरुग्राम टू दिल्ली वाला है, इधर से अपन लोग दिल्ली जा रहे हैं डायरेक्ट। सामने चले जाएंगे एक राजीव चौक, लेफ्ट चला जाएगा और राइट एकदम सामने दिल्ली। दिल्ली में भी राजीव चौक है, इधर गुरुग्राम में भी राजीव चौक है भाई, तो दो दो राजीव चौक ऐसा बोलते हैं। अपन लोग कार ड्राइव करते हुए और सौम्य पीछे बैठे हुए, बस मजा आ रही है। नीचे देख लो यार, वो दिख रहा है, वो देखो भाई सब, ये देख रहे हो कितना मस्त वाला सीन लग रहा है एकदम। हम तो अपना लेन में जा रहे हैं मस्त वाला, हमें कोई बोलने वाला नहीं। सामने का नजारा देख रहे हो, ग्राउंड एकदम खाली खाली सा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा। ये देखो और सामने एक साइड लेन देख रहे हो भाई, क्या हेवी वाला लग रहा है ना, दूर से देखने में काफी भयानक लगता है। ये देखो कितना हेवी वाला लग रहा है, उधर के साइड देखो वो भी भयानक लग रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. भाई ये देखो इधर का सीन देखने के बाद कुछ फीलिंग्स आ रहा है, मस्त वाला फीलिंग्स आ रहा है ना, एकदम अकेलापन लग रहा है भाई। रसिया में आ गया, बिल्कुल ऐसा ही रसिया में रहता है ना, खाली खाली सा रोड एकदम मस्त वाला। मतलब दो तीन चार गाड़ियां ही मिलेगी रोड पे, ज्यादातर रोड पे कम ही गाड़ियां मिलती है क्योंकि उधर का पॉपुलेशन कम है, प्लस पॉपुलेशन कमेगी तो व्हीकल्स भी कमेगी ना, इसी कारण से। और वैसा फीलिंग्स यहाँ भी आ रहा है अपने को। इससे पहले ना झारखंड में वो वाली फीलिंग्स आई थी बोकारो में, कि खाली खाली सा जा रहे थे, बट वो वाली फीलिंग्स अभी यहाँ पे आ रही है क्योंकि धूप धूप ज़्यादा है, प्लस अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं हुआ है ना, इसी कारण से रोड अभी खाली खाली सा लग रहा है। और फिर अपन लोग भी यार पूरे स्पीड में जा रहे हैं मस्त वाला, 52 अब 80 90 कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे भाई उतना स्पीड, उतना हेवी वाला भागता है स्पीड। मैंने इसको 120 पर चलाया है, तकरीबन 120 का स्पीड पे। और ये देख रहे हो भाई दृश्य नजारा देख रहे हो, क्या ही मस्त वाला लग रहा है भाई। सीन देखो यार, क्या ही भयानक वाला सीन लग रहा है अभी। एक तरफ ये टावर, एक तरफ रोड, और एक तरफ ये देखो सेफ्टी वाला साइड वाला, प्लस बीच में ये ब्लू वाला देखो भाई डिवाइडर वाला, कितना भयानक सा फीलिंग आता। अभी देख रहे हो रोड का क्या नजारा मस्त लग रहा है एकदम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अभी देखो भाई उधर से एक साइड वाली टनल दिख रही है, उधर से एक साइड वाली टनल मस्त वाली आने वाली है। वो उधर से अपन लोग आ रहे थे ना उस टाइम वाली वो टनल में भी, मेरे को उतना पता नहीं, बट हाँ वही वाली टनल होगी। प्लस इधर देखो भाई ये वाली ना, ये वाली देखो रोड क्रॉसिंग वाली आगे एक साइड दिख रहा है, इससे रोड क्रॉस कर सकते हो, नीचे वाले का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उधर से सीढ़ी से चढ़ो और फिर इस तरफ आ जाओ, रोड क्रॉस कर लो। और इस रोड में मतलब चलाने का ख्वाब भी पूरा हो चुका है यार, मतलब सपना ही था ऐसा ऐसा रोड में चलाएंगे, तो चला भी लिए यार। दिल्ली हरियाणा हर जगह अपन लोग व्हीकल्स चला चुके, फोर व्हीलर कभी सोचे नहीं थे यार कि अपन लोग फोर व्हीलर चलाएंगे भी ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा जगह पे, लेकिन चला लिए यार। बद्रीनाथ चले गए तो समझ सकते हो कितना तगड़ा वाला रोड में चला लिए अपन लोग फोर व्हीलर, तो ये सब रोड तो उतना मायने नहीं रखता, मैटर नहीं करता, बट हाँ मैटर करता है कि हाँ अच्छे से चलाओ, सेफ्टी से चलाओ, ये मैटर करता है। अच्छे से चलाओ, कहीं भी चलाओ, बस अच्छे से चलाओ, गाड़ी को कंट्रोल में रख के चलाओ, तो ज्यादा मैटर करता है। साइड 110 से 114 चले जाएंगे द्वारका आईजीआई एयरपोर्ट, ये सामने वाले जिसमें अपन लोग जा रहे हैं जो लेन में। और इधर भाई मतलब लेन देख रहे हो कितना लेन है, लेन देख लो यार, मतलब 1 2 3 4 5 लेन टोटल जा रहा है भाई, मतलब अलग अलग से लेन, मतलब ये नहीं पांच रोड यहाँ से डिवाइड हो रखा है,
दो उधर से आने वाला, दो इधर से जाने वाला, एक उधर वाला था, पांच मिला, उसी को मिला के पांच हो गया। सो भाई ये देखो, ये एक टनल, अपन लोग एंट्री ले चुके एक टनल में, छोटा सा टनल है, धौला कुआं के आसपास का ये टनल है। लाइक अभी हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, लाइक बहुत ही करीब बॉर्डर आने वाला, उसके बाद दिल्ली में एंट्री ले लेंगे अपन लोग। तो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर है, उसके बाद दिल्ली में ले लेंगे अपन लोग एंट्री। ये देखो छोटा सा एक था, देखा कितना छोटा सा टनल टाइप का लग रहा था, और फिर इधर का रोड देखो ना, बहुत भयानक भयानक सा रोड बन रहा है यार इधर। मतलब मेट्रो का भी नया नया लाइन और बिछ रहा है, ऑलरेडी है मेट्रो का लाइन, प्लस और भी लाइन बिछ रहा है, पीछे के साइड बिछ रहा था, प्लस इधर देखो और भी रोड कितना भयानक भयानक सा बन चुका, और फिर साइड में देखो और भी बनने को ही है। भाई ये देखो साइड में एयरपोर्ट है, ये पीछे एयरपोर्ट के पीछे साइड में ये वाली दिख रहा है दीवार, ये एयरपोर्ट वाली है, बहुत ही बड़ा है भाई दिल्ली का एयरपोर्ट, समझ ही सकते हो। और सामने के साइड अपना आने वाला है बॉर्डर, बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट प्लस आगे में बॉर्डर, और फिर ये देखो पुलिस फोर्स। भाई ये क्या चीज है यार जो घूम घूम के, मतलब ये है क्या चीज, मेरे को ऐसा लग रहा है सिग्नल वाला है, सिग्नल सबको देता है, जो भी फ्लाइट उड़ती है ना उसको सिग्नल देने वाला है मेरे ऐसा ख्याल से, बट पता नहीं। और इधर के साइड देखो भाई, मतलब जाम कितना भयानक लगा हुआ है, बहुत भयानक जाम लग गया। देखा हमने ना सही टाइम पे निकला है, नहीं तो जाम इधर ना बहुत ही भयानक वाला लग जाता है। और फिर ये देखो सामने भी एक और है, वो देखो घूम रहा है चारों तरफ, क्या करता है ये पता नहीं मेरे को, मतलब ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। हालांकि मैंने पटना में देखा था छुटकू सा, मतलब ऐसे ही घूमता था, बट यहाँ तो भाई दो दो तीन तीन जगह, हर एक जगह घूमने वाला दिया हुआ है, सिग्नल वाला ही है ना, पता नहीं क्या है, सिग्नल वाला ही होगा। अगर नहीं होगा ना तो बता देना यार कमेंट में, क्योंकि मेरे को तो उतना नॉलेज है नहीं, बट मेरे ऐसा ख्याल से सिग्नल वाला ही है। अब भाई जाम जाम की बातें करके ना अपन लोग भी, प्लस देखो एरोप्लेन कैसा आ रहा है, ये देखो भाई, ये भाई सब मस्त आ रहा है एकदम, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो। इधर पे ही लैंड करेगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पीछे में ही है ना अपन लोग, तो इधर ही लैंड करेगी भाई। मतलब ये देखो लैंड कर रही है, काफी प्यारा लग रहा है यार, एकदम मस्त वाला सीन, एकदम एरोप्लेन नीचे आ गया। और फिर जाम देख रहे हो, क्या ही भयानक वाला जाम है, बहुत ही तगड़ा वाला जाम है। प्लस आगे के साइड छल्ली सिकंजी ये सब बिक रही है, प्लस पीछे के साइड देखो मर्सिडीज एक भाई, मतलब जब मर्सिडीज देखने को मिलता है ना तो मतलब लगता है यार कि हाँ कुछ देख रहे हैं भाई, मतलब हेवी हेवी व्हीकल्स दिख जाता है ना दिल्ली में, तो अच्छा लगता है भाई। भाई ये देखो ये वाली एरोप्लेन दिख रही है, कितना भयानक वाला लग रहा है यार, मतलब लग रहा है मेरे ही पास आ रहा है, मेरा ही घर में आ रहा है। भाई भाई भाई, भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा यार, मेरे पास भाई दूर चला गया यार, क्या ही बोल सकते भाई, इतना जाम है ना कि मतलब पूछो ही मत भाई। एरोप्लेन भी भाग रहा, अपन लोग से दूर एरोप्लेन भाग गया यार, ऐसा मतलब जाम है, सोच रहे हो कितना लंबा वाला जाम है। ये देखो थोड़ी थोड़ी करके ना, मतलब 5-10 ऐसे मतलब स्पीड आगे जा पा रहे हैं, 5-10 भी कहाँ भाई, अभी तो 0 पे खड़े हैं, मैक्सिमम मान के चलो तो 4-5, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा स्पीड। ये देखो जाम टूटा, और फिर अभी देखना स्पीड, देखो इधर थोड़ा सा है, देखो ये देखो कौन कौन सा व्हीकल्स घुसा दिया, बाइक ये सब सारा कुछ, ये देखो 8 मैक्सिमम 8 गया स्पीड, देखा ना इससे ऊपर नहीं, क्योंकि जाम काफी तगड़ा है ना। तो भाई मैं आपको एक कार दिखाऊं, वो भाई साहब ये देखो जैमर जा रहा है कैसे यार, सारे लोग जैमर लगा के जा रहे हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है ना इसी कारण से। प्लस देखो अभी डिफेंडर इधर से क्रॉस करेगी, ये देखो भाई डिफेंडर को, भाई मतलब काश अपने पास भी होता यार डिफेंडर यार, मतलब डिफेंडर मेरे को काफी ज्यादा पसंद है यार, देख रहे हो डिफेंडर, मतलब देखने से ही भाई चट्टान लगती है, खुद में ही एक चट्टान ऐसा लगता है। देखो भाई हर 3-4 मिनट पे ना एक फ्लाइट आ रही है, ये देखो अब की बार ये वाली आ रही है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त वाला सीन, एकदम मस्त वाला, एकदम लग रहा है कोई अच्छा बड़ा सा पक्षी आ रहा है यार, बाज ऐसा लग So guys, चलो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप लोग देख के ना काफी ज्यादा हैप्पी फील करोगे, लाइक बोलोगे हाँ यार कुछ देखे है। सो जो भी नहीं देखे होगे ना उनके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा, और जो लोग देखे होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, बट उतना भी नहीं, बट हाँ मान सकते हो सरप्राइजिंग, क्योंकि काफी मस्त जगह पे अपन लोग आ चुके हैं। अब लोग काफी ज्यादा तगड़ा वाला जाम में ना फंसने के बाद ये इधर क्रॉस किए उसके जस्ट अपोजिट वाली लेन में, तो इधर से अपने कुछ मस्त वाला चीज दिख रहा है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो। सो सी गाइज, ये एयरपोर्ट,
मतलब हर 2 मिनट पे ना, 1 मिनट पे ना एक एक फ्लाइट आ रही है। ये देखो ये पंख वाली फ्लाइट है, और ये देखो अपना एक एरोप्लेन लगा हुआ है साइड में, और यहाँ से ना काफी सारे लोग ना वीडियोज भी मतलब बनाते हैं यहाँ से खड़े होके एयरपोर्ट का, और फोटोज भी लेते हैं। देख रहे हो कितना तगड़ा वाला एयरपोर्ट लग रहा है, देखने से कितना भयानक लग रहा है यार। और इधर से ही सारे लोग देखो उधर से खड़े होके कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ फोर व्हीलर से, कुछ लोग ऐसे ही इधर से आके देखते हैं एयरपोर्ट को। और फिर यहाँ पे सामने सिक्योरिटी गार्ड वाला है, देख रहे हो, और अपन लोग भी जा रहे हैं थोड़ा सा मतलब मस्त वाला तरीका से। सो गाइस देख रहे हो यार, अपने को तो काफी मस्त लगता है क्योंकि अपन लोग फ्लाइट पे चढ़ चुके हैं ना, तो अपने को देखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। प्लस एक देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक ये देखो टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो चुका, आवाज देख रहे हो कितना भयानक वाला आवाज आ रहा है। सो भाई देखो यहाँ पे ना हर 1 मिनट 2 मिनट पे ना एक फ्लाइट लैंड कर रही है, और शायद टेक ऑफ भी करती होगी हर मिनट या फिर 2 मिनट पे। और फिर ये देखो शायद मेरे ऐसा ख्याल से ना एयर कनाडा ये शायद टेक ऑफ करेगी, ये लैंड कर चुकी है, टेक ऑफ के लिए शायद रेडी है। भाई मतलब क्या ही मस्त वाला नजारा आ रहा है ना, ये वाली देख रहे हो कितना प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही बड़ा सा फ्लाइट है भाई एयर कनाडा, शायद ये कनाडा ही जा रही है, या फिर ये सारे पैसेंजर में भी अगर अभी लग रही होगी ना इधर, तो ये पैसेंजर सारे उतर चुके होंगे। और फिर इसको भाई चक्का देख रहे हो इसका कितना हैवी वाला लग रहा है पहले तो यार, मतलब मैं ना चढ़ाऊँ फ्लाइट में बस ऐसे में करीब से, इतना करीब से देखा हूँ भी, बट ज़्यादातर मैंने बहुत ही कम टाइम में ऐसा देखा। और फिर ये मतलब कितना करीब से देख रहा है ना, क्या क्या ही मतलब प्यारा लग रहा है। जो भी नहीं देखे होगे ना उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा ये मोमेंट होगी गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे होगे ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मोमेंट होगा, क्योंकि इतना करीब से कोई फ्लाइट नहीं देखे होंगे उनके लिए, समझ ही सकते हो कितना प्यारा सा मोमेंट होता है। और फिर ये देखो ये वाली टेक ऑफ करने के लिए रेडी है मेरे ऐसा ख्याल से, क्योंकि जिसको लाइन नहीं मिलती ना वो इधर आके खड़ा करते और उसको लाइन मिलती है, तो ये देखो टेक ऑफ हो रही है, ये देखो धीरे धीरे ऊपर उड़ते जा रही है भाई। अभी नहीं ये भाई इधर से तो छिप गई यार, छिप गई भाई, तो टेक ऑफ करेगी वो। और फिर इधर अभी ये लग चुकी है, मेरे से ख्याल से सारा पैसेंजर इसमें आ चुके हैं। और ये देखो भाई ये लैंडिंग कैसे करती है, देख रहे हो क्या जहर वाला लैंडिंग लग रहा है यार, ये भाई धीरे 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 नीचे आता जाएगा। और फिर ये देखो अपना लेन, इधर सारा में ना कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी गलत हरकतें होगी ना तो तुरंत पकड़े जाएंगे, इसीलिए कैमरा यहाँ पे सारा जगह लगा हुआ है भाई। ये देखो यार अभी ये एयर कनाडा वाली टेक ऑफ कर रही है भाई, मतलब धासु सीन दे रहा भाई एयर कनाडा का, ये देख रहा ओ भाई साहब ये यार। सो भाई ये देखो यार ये पोकेमोन का फ्लाइट है भाई, ये वाली देखने में ना काफी ज्यादा प्यारा डिसेंट सा लुक दे रहा है एकदम, देख रहे हो कितना ही प्यारा वाला लुक लग रहा है पोकेमोन वाला। अरे भाई साहब पिकाचू, ओ पिकाचू पीका पीका पीकाचू, ये वाला प्लेन ना काफी प्यारा सा लग रहा है, डिसेंट सा लुक दे रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये वाली पोकेमोन वाली। ये भी शायद ये देखो सारा ना टेक ऑफ के लिए लाइन में लग रही है, पहले वो वाली एयर कनाडा होगी टेक ऑफ, उसके बाद विस्तारा वाला होगा, उसके बाद फिर ये पोकेमोन वाला टेक ऑफ होगी। और एक ये देखो अभी लैंड करने के लिए आ चुकी है, ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है पोकेमोन वाला फ्लाइट, काफी प्यारा लग रहा है यार। ये देखो पिकाचू का एकदम मस्त वाला सिंबल दिया, ये देखो पिकाचू को, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो अभी का टाइम आपको पता है कितना टाइम हुआ होगा, गेस करके बताओ, दिन का उजाला कितना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बताना कितना टाइम हो रहा है शाम का, ठीक है? तो चलो अभी दिखाते हैं आपको। सो ये देखो कितना एकदम उजाला दिख रहा है, सूरज भगवान भी अभी पूरा रोशनी दे रहे हैं उधर के साइड, यहाँ से छिपे हुए हैं, सामने की साइड दिख रहा है, इससे छिप गया, मतलब अपने को नहीं दिख रहा है यहाँ से ऊपर क्योंकि घेरा हुआ है। ये देखो सामने की साइड मेट्रो स्टेशन, और अभी का टाइम मानो ना इतना उजाला देख के ना कितना टाइम हो सकता है आप लोग गेस करके बताओ, अगर गेस नहीं कर पा रहे हो ना तो मैं आपको बताता हूँ टाइम कितना हो रहा है। ये देखो 6:55, मतलब 7 बज रहा है, 5 मिनट सिर्फ बच रहा है, और फिर ये मेट्रो क्रॉस हो रही है। तो सोचो यार 7 बजे तक ना इधर इतना सुबह लग रहा है, थोड़ा सा भी लाइट का जरूरत नहीं पड़ रहा है। We'll be right back.
ये देखो भाई अक्षरधाम का व्यू, इधर देख रहे हो, इधर तालाब में पानी है थोड़ा बहुत, और सामने की साइड व्यू देखो यार, मतलब अंदर से अलाउ नहीं होता ना, सारा गेट पे ही सबमिट ले लेता है, फोन कैमरा जो भी हो, उसके बाद अंदर कोई फोन फोटो ये सब कुछ भी अलाउ नहीं होता, इसी कारण से नहीं बन पाता। और इधर का देख रहे हो व्यू, क्या ही तगड़ा वाला व्यू लग रहा ना, वो देखो तो बहुत ही खतरनाक यार अक्षरधाम अंदर से, प्लस भीड़ देख रहे हो अभी अंदर बहुत सारी पब्लिक लोग है, सो देखने के लिए होगी। तो बस यही कुछ है गाइस, सो अभी अपन लोग पहुंचने वाले, लाइक 4-5 मिनट और लगेगा, फिर अपन लोग पहुंच जाएंगे अपना घर के पास, कार पार्किंग करेंगे, फिर घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम में रहने से ना थोड़ा सा थकान आ गया, उसके बाद रात में 9-10 बजे जाएंगे अपन लोग। सो फाइनली भाई देख सकते हो अभी अपन लोग पार्किंग के पास आ चुके हैं, और टाइम अभी देख लो 7:34 हुआ है, फिर भी अभी उजाला पूरा है, तो समझ सकते हो अभी तक रात नहीं हुआ, लाइक अंधेरा थोड़ा सा भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत एकदम हुआ है, मान सकते हो कितना छोटा सा हुआ, कितना कम सा हुआ है। प्लस देख रहे हो डॉगी को, ये देखो भाई ये लोग भी मतलब पहाड़ पे ही चढ़ के रहना होता है इसको, ये देखो बैठ गया भाई, मतलब पहाड़ पे ही इसको बैठना है, कहीं जमीन पे नहीं बैठना। प्लस आगे जा रहे हैं अपन लोग, पार्किंग ढूंढते हैं फिर वहीं पे पार्क करते हैं। सो फाइनली भाई अपना कार तो पार्किंग में लग चुका है, अपन लोग निकल चुके हैं, और फिर देख सकते हो ये अपना कार पार्किंग में लगा, प्लस सारा भीड़ हो चुका है यार, मतलब 8 बज चुका है, 7:56 हुआ है, फिर भी देखो यार लाइट, मतलब 8 बजने को फिर भी लाइट काफ़ी अच्छा सा है, और ये अपना कार सौम्या निकल रही है लॉक करके। सो अभी यहाँ से अपन लोग सोच रहे हैं घर की ओर जाएं, तो सोच रहे हैं यार वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।